देश को आखिरकार लंबे इंतजार के बाद राफेल लड़ाकू विमान मिल ही गया है। बुधवार को आसमान से बरसती हुई बारिश की बूंदों के रुकने के कुछ देर बाद ही अंबाला के एयरबेस पर 5 राफेल विमानों ने लैंडिंग की। फ्रांस से मिलने वाले कुल 36 विमानों में ये पहली खेप है, जिसका शानदार स्वागत हुआ। साथ ही साथ बुधवार को ही कई मोर्चों पर राजनीतिक घमासान भी देखने को मिला। आपको बता दें कि मंगलवार को फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी थी, जिसके बाद वो यूएई में रुके। यूएई से जब बुधवार सुबह उड़ान भरनी थी तो अंबाला में लगातार बादल छाए हुए थे, जिस वजह से जोधपुर में एक बैकअप लैंडिंग प्लान तैयार किया गया। हालांकि जब तक राफेल विमान आए तब तक मौसम पूरी तरह साफ हो गया था। राफेल ने जब अंबाला एयरबेस की धरती पर कदम रखा तो वाटर सैल्यूट के द्वारा उनका स्वागत किया गया। यूएई से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद राफेल लड़ाकू विमानों ने भारतीय वायुसीमा में प्रवेश कर लिया था। इस दौरान उनका स्वागत भारतीय नौसेना के INS कोलकाता ने किया, जो समुद्री सीमा की रक्षा में लगा हुआ था। INS कोलकाता ने राफेल विमानों का भारतीय सीमा में स्वागत किया, साथ ही बधाई देते हुए कहा कि आप आसमान की ऊंचाइयों को छुए, आपकी लैंडिंग सफल हो। जवाब में राफेल पायलट की ओर से भी INS कोलकाता को हैप्पी हंटिंग विश किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल के आगमन पर संस्कृत भाषा में एक श्लोक ट्वीट किया, जिसका अर्थ था कि राष्ट्र रक्षा के समान कोई पुण्य नहीं, राष्ट्रीय रक्षा के समान कोई व्रत नहीं, राष्ट्रीय रक्षा के समान कोई यज्ञ नहीं। वही राफेल का लैंडिंग करते वक्त टच डाउन का वीडियो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। उन्होंने ही लिखा कि ये वायुसेना के इतिहास में क्रांतिकारी बदलाव है। अब अगर कोई दुश्मन हमारी जमीन पर पूरी नजर डालता है तो उसे कई बार सोचना होगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।